कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अपने 6 साल के बेटे मार्क को अचानक नींद से जगाया और कहा कि इस घर में खतरा है और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भाग निकलना होगा। फिर उसने अपने बेटे थॉमस को बाहर भेजा और उसी वक्त मार्क ने देखा कि एक शेल्फ पर रखा मेंढक का पुतला अचानक जिंदा हो गया। इसके बाद वो आदमी अपने दोनों बेटों को लेकर गाड़ी में निकल रहा था तो अचानक उसकी पत्नी पेट्रा उनके सामने आ गई और बच्चों को ना ले जाने की मिन्नतें करने लगी। उसने अपने पति को समझाया कि उसका पीछा कोई नहीं कर रहा, मगर उसने पेट्रा की एक न सुनी और सीधा शमशान घाट की ओर निकल पड़ा। पर अचानक जैसे ही उसने अपना सर पीछे घुमाया तो उसके सर में आग लग गई और वो अपने बच्चों के सामने झुलस कर मारा गया। अब इस घटना को पूरे 10 साल बीत गए थे। मार्क स्कूल जाता था और उसके भाई थॉमस ने एक साउंड स्टोर खोल लिया था। स्कूल में ना तो मार्क के टीचर्स और ना ही उसके साथी उसे पसंद करते थे, क्योंकि पहले उसके भाई को गुंडागर्दी के चलते स्कूल से निकाल दिया गया और उसकी भी कुछ ऐसी ही हरकतें थी। खाली समय में मार्क अपने भाई थॉमस की दुकान पर मदद भी किया करता और उनके साथ मेमो नाम का एक दूसरा लड़का भी काम करता था। मार्क के जन्मदिन पर थॉमस ने उसे क्रॉनिकल नाम की एक पुश्तैनी किताब दी जो उनके परिवार में काफी समय से मौजूद थी। इस दुनिया में ब्लैक टावर नाम की एक अलग दुनिया के बारे में बताया गया था, जिसमें कई सारे खतरनाक जानवर ग्रिफिन नाम के एक शैतान के लिए काम करते थे। ग्रिफिन का असली मकसद इंसानों की दुनिया पर राज करना था और इस किताब के मुताबिक उनके परिवार के आदमी ही ग्रिफिन से इंसानों की रक्षा करते थे। ये किताब लेकर मार्क घर लौट आया और शांति से उसे पढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, मगर उसमें बताई हुई चीजें और नक्शे बिल्कुल असली लग रहे थे। उन खूनी तस्वीरों को देखकर अचानक मार्क एक अजीबोगरीब जगह पर टेलीपोर्ट हो गया और उसी पल एक खूंखार जानवर उसके सामने आ गया। मार्क तुरंत अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा और अचानक एक गड्ढे में गिर गया। वो जानवर एक कुल्हाड़ी से मार्क का काम तमाम करने ही वाला था कि अचानक मार्क चीख पड़ा और वापस अपने बेड पर आ पहुंचा। अगली सुबह जब मार्क स्कूल गया तो क्लास में बेकी नाम की एक नई लड़की आई, मगर बाकी बच्चों ने पहले ही बेकी को मार्क और उसके भाई के बारे में उल्टी सीधी पट्टी बढ़ा दी थी। उन्होंने बताया कि थॉमस ने एक टीचर को थप्पड़ मार दिया था जिस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया और मार्क तो पता नहीं कब से अपने दिमाग का इलाज ही करवा रहा है, क्योंकि वो बचपन की उस डरावनी रात को भुला नहीं पा रहा। लेकिन बेकी को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो धीरे धीरे मार्क के साथ घुलने मिलने लगी। फिर शाम को जब मार्क घर लौटा तो उसकी माँ पेट्रा ने उससे थेरेपी सेशंस के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उसकी माँ उसे वहाँ इसलिए भेजती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो भी अपने पिता की तरह बन जाए, लेकिन थॉमस को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो मार्क को घर से बाहर ले आया और उसे अपने साथ शमशान घाट ले जाने लगा, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो ब्लैक टावर की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। वो दोनों मिलकर चर्च के ऊपरी हिस्से में घुस गए जहां उनके पूर्वजों ने अपनी रहने की जगह बनाई थी। फिर थॉमस ने उसे वहां रखी चीजें दिखाई जो उसके पिता की थी। उनमें एक खाली डब्बा भी था जिसके अंदर शायद कोई लॉकेट जैसी चीज रखी जाती थी। तभी अचानक मार्क की उंगली किसी नुकीली चीज से कट गई और खून बहने लगा और उसी पल जमीन में से एक ढक्कन अपने आप खुल गया। उस बक्से में से दोनों भाइयों को एक खास लॉकेट मिला। तब थॉमस ने कहा कि किताब के मुताबिक इस लॉकेट के जरिए ही उनके परिवार का कोई आदमी ग्रिफिन का खात्मा कर सकता है, मगर जैसे ही मार्क ने उसे अपने हाथ में पकड़ा तो अचानक शमशान घाट में मौजूद पत्थर की मूर्तियां जिंदा हो गई। मार्क और थॉमस अपनी जान बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उनमें से एक शैतान की मूर्ति उनके सामने आकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो दोनों भाइयों पर हमला करती, एक फरिश्ते की मूर्ति उनकी जान बचाने आ पहुंची। उन दोनों मूर्तियों में लड़ाई शुरू हो गई और इसी दौरान दोनों भाई चर्च में जाकर छुप गए और रात को वहीं दुबककर सो गए। अगली सुबह जब मार्क की आंख खुली तो थॉमस वहां नहीं था। उसने चर्च से बाहर आकर फरिश्ते की मूर्ति का शुक्रिया अदा किया और अपनी गाड़ी में थॉमस को ढूंढने निकल पड़ा। घर जाकर उसने क्रॉनिकल किताब खोली तो उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी जो कह रही थी उसे ब्लैक टावर की दुनिया में जाकर थॉमस को ढूंढना होगा। अब मार्क डॉक्टर पीटर्स के पास पहुंचा जो उसके थेरेपिस्ट थे। तब पता चला कि बेकी उन्हीं की बेटी है। खैर, फिर मार्क अपने भाई के स्टोर पर गया पर थॉमस वहां भी नहीं था। फिर उसने क्रॉनिकल नाम की वो खास किताब खोली जिसमें उसे ब्लैक टावर की दुनिया में जाने के लिए एक पोर्टल की जानकारी मिली। ये पोर्टल उसी चर्च में मौजूद था, लेकिन तभी अचानक वो एक अजीब से कीड़े से डर गया और एक ही पल में किसी घने अंधेरे जंगल में पहुंच गया। उधर मेमो जब स्टोर पहुंचा तो वहां मार्क और थॉमस दोनों को ही ना देखकर उसने पेट्रा को फोन कर दिया। पेट्रा ने घबराकर तुरंत पुलिस में रिपोर्ट लिख दी कि उसके बच्चे लापता हैं। वहीं दूसरी ओर उस जंगल में मार्क को थॉमस मिल गया और थॉमस बेहद खुश था क्योंकि आखिरकार मार्क भी ब्लैक टावर की दुनिया में आ गया था। लेकिन जब मार्क ने बताया कि वो बिना किसी पोर्टल के यहाँ तक पहुँच गया है
तो थॉमस को समझ आया कि मार्क के पास असली दुनिया से ब्लैक टावर की दुनिया में टेलीपोर्ट होने की ताकत है। खैर फिर अगली सुबह थॉमस ने मार्क को नींद से जगाया क्योंकि अचानक कुछ भयानक दरिंदे उन पर हमला करने आ गए थे। दोनों भाई तुरंत अपनी जान बचाने के लिए दौड़े मगर थॉमस नीचे गिर गया और दरिंदों ने उसे कैद कर लिया। वहीं मार्क उसी वक्त टेलीपोर्ट होकर स्टोर में आ पहुंचा, जिसे देखकर बेकी और मीमो बुरी तरह डर गए। उन्होंने मार्क को सब कुछ सच बताने को कहा। वहीं ब्लैक टावर की दुनिया में एक सींग वाले जानवर ने अपने मालिक को खबर दी कि उन्होंने टेलीपोर्ट करने वाले लड़के के भाई को पकड़ लिया है। उधर मार्क ने जब बेकी और मीमो को क्रॉनिकल और ब्लैक टावर की दुनिया के बारे में बताया तो उन्हें मार्क की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। अब मार्क उन्हें सच दिखाने के लिए अपने साथ चर्च में ले गया, मगर इस बार वहाँ वो कमरा ही नहीं था जिसमें वो और थॉमस गए थे। ये सब देखकर बेकी और मीमो को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्हें लगा कि मार्क उनके मजे ले रहा है। बेकी और मीमो नाराज होकर चले गए तो मार्क गुस्से में पत्थरों की मूर्ति पर मुक्के मारने लगा, जिसकी वजह से ब्लैक टावर की दीवारों में दरारें आ गई। खैर फिर रात को मार्क मीमो के पास गया क्योंकि उसे अपने भाई को ढूंढने में मदद चाहिए थी। हालांकि मीमो को मार्क की कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं था, पर फिर भी वो उसके साथ चर्च में बने पोर्टल तक गया। फिर उन्होंने किताब में लिखी जानकारी के मुताबिक बेसमेंट में एक दरवाजा ढूंढा। फिर मार्क ने किताब में लिखे हुए मंत्र पढ़े और कुछ ही पलों में दरवाजा अपने आप खुल गया। ये सब अपनी आंखों से देखकर मीमो अब तक हैरान हो गया था। फिर उसने महसूस किया कि उसकी आंखें अपने आप ठीक हो गई थी और अब उसे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। मीमो खुशी से झूम उठा और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मीमो ने मार्क से पूछा कि वो इस दुनिया से वापस कैसे जाता है, तो मार्क ने अपनी आंखें बंद करके इस बारे में सोचा और अचानक वो गायब हो गया। जब मार्क की आंख खुली तो वो घर पर पहुंच गया था और अब वो घबरा गया क्योंकि वो मीमो को उस दुनिया में अकेला छोड़ आया था। मार्क ने दोबारा से उस दुनिया में टेलीपोर्ट होने की कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी पेट्रा वहां आ गई और उसने क्रॉनिकल किताब देखी तो उसे लगा कि उसका बेटा भी बिल्कुल उसके पति जैसा बन रहा है, इसीलिए उसने गुस्से में मार्क को कमरे में बंद कर दिया। इससे मार्क को इतना गुस्सा आया कि वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, जिससे ब्लैक टावर की दीवारें बुरी तरह हिलने लगी। इधर पेट्रा ने डॉक्टर पीटर्स को फोन करके मार्क के बारे में बताया तो डॉक्टर ने उसे जल्दी से जल्दी मार्क को रिहा करने को कहा। अब मार्क तुरंत चर्च की ओर भागा और उसे लकड़ी के पत्ते पर एक मैसेज मिला कि मीमो आसपास ही है। अब मार्क तुरंत स्टोर में पहुंचा और जरूरत की चीजें इकट्ठा करके बेकी से मिलने गया। उसने बेकी को बताया कि मीमो ब्लैक टावर की दुनिया में अकेला रह गया है। उसने कहा कि वो मीमो और थॉमस को बचाने जा रहा है। फिर उसने बेकी को क्रॉनिकल किताब दी और कहा कि अगर वो वापस ना लौटे तो ये किताब मेरी माँ को दे देना। इसके बाद वो ब्लैक टावर की दुनिया में जाकर मीमो को ढूंढने लगा। वहीं दूसरी ओर जब बेकी ने वो किताब पढ़ी तो उसकी अजीबोगरीब कहानियां पढ़कर उसे लगा कि मार्क की दिमागी हालत सच में ठीक नहीं है। उधर दूसरी दुनिया में मार्क ने जंगल से निकलकर एक पहाड़ी की चोटी पर मीमो के पसंदीदा गाने चला दिए, मगर तभी कुछ वहशी जानवरों ने गानों की आवाजें सुन ली और वो उसकी ओर निकल पड़े। इधर असली दुनिया में बेकी ने अपने कुछ दोस्तों को क्रॉनिकल किताब दिखाकर मार्क की बताई हुई कहानी सुनाई और फिर उन्होंने उसकी सच्चाई देखने के लिए किताब में से एक मुरझाए हुए फूल को फिर से हरा भरा करने का तरीका देखा और उसे आजमाने का फैसला किया। इधर ब्लैक टावर में एक कैदी को पकड़कर ग्रिफिन की कुर्सी पर बैठाया गया। असल में ग्रिफिन खुद से नहीं बोल सकता था, बल्कि वो किसी इंसान के जरिए अपनी सारी बातें कहता। उसने कैदी की पीठ में अपने खंजर जैसे नाखून चुभाए और फिर कैदी ग्रिफिन के मन की बातें बोलने लगा। उधर मार्क मीमो को ढूंढ रहा था, पर इससे पहले उन वैशी जानवरों ने मार्क को देख लिया तो उसे तुरंत ही वहां से भागना पड़ा। भागते हुए उसके सामने एक अजीबोगरीब आदमी आया जो पूरी तरह से फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ था। उस आदमी ने मार्क के चेहरे पर अजीब सा लिक्विड लगाया और उसे अपने साथ एक खुफिया गुफा में छुपा दिया। वहीं दूसरी ओर बेकी ने किताब के बताए तरीके के मुताबिक मुरझाए हुए फूलों पर पानी छिड़का और अपने दोस्तों के साथ बड़ी आस लगाकर उसके खिलने का इंतजार करने लगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे निराश होकर बेकी ने चर्च में बने पोर्टल को खोलने की आखिरी कोशिश करने का फैसला किया और तब जाने से पहले उसके दोस्त ने फूल को पानी के ग्लास में डाल दिया। उधर ब्लैक टावर की दुनिया में जानवरों के जाने के बाद उस आदमी ने अपना नकाब हटाया और मार्क को बताया कि वो मीमो है। दरअसल असली दुनिया में जब एक दिन बीतता है तो उतने समय में यहाँ कई हफ्ते बीत जाते हैं और इसी वजह से उसकी दाढ़ी मूछ काफी बड़ी हो गई थी।
खैर इसके बाद मीमो और मार्क थॉमस को ढूंढने के लिए आगे बढ़े तो उन्हें कुछ कैदियों का कारवां दिखाई दिया। तभी उन्होंने देखा कि थॉमस भी उनमें से एक था, मगर अभी वो उसकी मदद नहीं कर सकते थे वरना वो खुद भी दबोचे जाते। पर तभी उन जानवरों की नजर उन दोनों पर पड़ गई और वो अपनी जान बचाने के लिए भागे। भागते भागते वो एक पहाड़ी की चोटी पर आ गए जिसके आगे खाई थी। इधर असली दुनिया में बेकी और उसके दोस्तों ने क्रॉनिकल के हिसाब से सारे मंत्र पढ़े और पोर्टल को खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला। उधर मार्क और मीमो पकड़े जाने वाले थे कि मार्क ने अपनी काबिलियत पर भरोसा किया और मीमो को लेकर खाई में कूद गया, जिसके बाद वो सीधा मार्क के कमरे में टेलीपोर्ट हो गए। उनकी आवाज सुनकर पेट्रा दौड़ती हुई वहां आई। खैर मार्क ने बेकी को फोन करके वो किताब लाने को कहा। उधर बेकी के कमरे में वो फूल फिर से खिल चुका था और उसके अंदर से एक जहरीला बिच्छू बाहर आ गया। खैर अगले दिन से मार्क और मीमो थॉमस को बचाने का प्लान बनाने लगे। अब मीमो उस दुनिया के बारे में काफी कुछ जान चुका था। उसने बताया कि उसने एक तालाब किनारे एक झोपड़ी बनाई थी जहां अक्सर कैदियों का कारवां रुकता है। वहीं ग्रिफिन के चेलो ने उसे खबर दी कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट करने वाला लड़का एक बार फिर से भाग निकला। ये खबर सुन के ग्रिफिन को बहुत गुस्सा आया। उधर बेकी की आंख खुली तो वो उस फूल को फिर से खिला हुआ देखकर हैरान रह गई। उस वक्त वो जानलेवा कीड़ा उसे काटने ही वाला था कि वो जैसे तैसे बच गई और फिर उसने वो किताब अपने पिता को दे दी, क्योंकि उसे मार्क की सारी बातें झूठी लगने लगी थी। जब उसने स्कूल में मार्क को इस बारे में बताया तो मार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उधर जब बेकी के पिता डॉक्टर पीटर्स ने वो किताब पढ़ी तो उन्होंने पेट्रा के पास जाकर कहा कि उसके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर तो पेट्रा ने मार्क को पागल खाने में भर्ती करवाने का फैसला कर लिया। कुछ ही समय में उनके घर पर एम्बुलेंस और पैरामेडिक्स मार्क को लेने आ पहुंचे, लेकिन मार्क उनसे बचकर भाग निकला और सीधा चर्च जा पहुंचा। वहाँ मीमो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन जल्द ही पैरामेडिक्स वहाँ भी आ गए तो उन दोनों ने मिलकर उनका मुकाबला किया। तभी अचानक एक नकाब पोश आदमी वहाँ आया और एक एक पैरामेडिक को बुरी तरह पीटा, जिस वजह से उनमें से एक की मौत ही हो गई। इस सब में मार्क और मीमो किसी तरह बच निकले। कुछ ही पलों में पेट्रा चर्च पहुंची तो उसने मार्क को चर्च से बाहर आते देखा और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। उसी वक्त हम देखते हैं कि मीमो और मार्क तो टेलीपोर्ट होकर ब्लैक टावर की दुनिया में पहुंच चुके थे। मीमो मार्क को अपनी बनाई झोंपड़ी की ओर ले गया। वहीं असल जिंदगी में डॉक्टर पीटर्स ने घर आकर बेकी को बताया कि मार्क ने एक पैरामेडिक की जान ले ली है, इसीलिए उसने बेकी को सीधे तौर पर कहा कि मार्क से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। इधर बेकी अपने कमरे में गाने सुनते हुए जमीन पर लेट गई। उसी पल ब्लैक टावर में बारिश शुरू हो गई तो मीमो बुरी तरह घबरा गया। असल में जमीन में लगे फूलों पर पानी पड़ने से उनमें से जहरीले बिच्छू निकल रहे थे। अब मार्क और मीमो दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़े। वहीं दूसरी ओर बेकी पर भी वैसे ही बिच्छू ने हमला कर दिया और उसके मुंह में घुस गया। उसने बड़ी मुश्किल से बिच्छू को बाहर निकाला और उस पर नमक छिड़क कर काम खत्म किया। उधर मीमो और मार्क भी बिच्छुओं से बचते हुए एक पहाड़ी पर आ पहुंचे। जब सुबह हुई तो सभी बिच्छू उनकी आंखों के सामने ही राख में बदल गए। उधर बेकी ने अपने पिता के कमरे से क्रॉनिकल ढूंढी, क्योंकि अब उसे मार्क की कहानी पर यकीन हो गया था। वो किताब लेकर सीधा पेट्रा के पास पहुंची। उधर मीमो और मार्क चलते चलते पहाड़ों में बने एक तालाब पर आ पहुंचे। इधर धरती पर जब बेकी के पिता घर आए तो उन्होंने अपने खून से सने कपड़े निकाल कर जला दिए। तब ये खुलासा होता है कि डॉक्टर पीटर्स ने ही मार्क का भेष बनाकर चर्च में पैरामेडिक की हत्या की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिफिन के महल में एक बिना चेहरे का राक्षस आया, जिसने कहा कि उसने मार्क को इंसानी दुनिया में जाने से रोकने की पूरी कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहा। उधर मार्क ने मीमो की झोंपड़ी देखी तो वो उसकी मेहनत से काफी खुश हुआ। उस झोंपड़ी की छत से वो इस रास्ते से गुजरने वाले हर एक कारवां पर नजर रख सकते थे। वहीं दूसरी ओर बेकी ने पेट्रा को सब कुछ बता दिया। वहाँ एक डिटेक्टिव भी मौजूद था और उसे भी लगा कि इस वक्त शहर में बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। बेकी ने उन दोनों को मार्क के पूर्वजों की पूरी कहानी सुनाई, पर तभी उसे एहसास हुआ कि वो अपना बैग अपने ही दोस्त की गाड़ी में भूल गई थी और उसके बैग के अंदर ही वो किताब थी। वहीं ब्लैक टावर की दुनिया में मार्क और मीमो रात को आग जलाकर आगे के प्लान के बारे में सोच रहे थे। मार्क ने कहा कि वो उन माइंस में जा सकता है जहां सभी कैदियों से मजदूरी करवाई जाती है। वहां वो थॉमस को ढूंढकर टेलीपोर्ट होके घर चला जाएगा। इसके बाद मीमो इस दुनिया में मौजूद पोर्टल के दरवाजे तक जाएगा और मार्क धरती पर मौजूद पोर्टल खोलेगा जिससे वो भी बाहर आ जाए, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी मर्जी से टेलीपोर्ट होने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसी वक्त हम देखते हैं कि ब्लैक टावर से एक आदमी संदेश लेकर डॉक्टर पीटर्स के घर पहुंचा और उसे मार्क के ब्लैक टावर में होने की खबर दी। उस आदमी के जाने के बाद डॉक्टर पीटर्स जब बेकी के कमरे में गया तो बेकी वहां थी ही नहीं।
तब उसने कमरे की धूल इकट्ठा की और उसे चख कर बेकी के पूरे दिन के बारे में जान लिया। उसे पता चला कि इस वक्त बेकी एक पार्टी में है जहां वो अपना बैग लेने गई थी। उधर ब्लैक टावर की दुनिया में मार्क बार बार कोशिश करने पर भी टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो मीमो ने कहा कि उसे अपने अंदर का डर मिटाकर कुछ खुशी के पल याद करने होंगे, शायद तब उसकी शक्तियाँ उसकी मर्जी से काम करने लगे। तब मार्क ने आंखें बंद करके बेकी को किस करने के बारे में सोचा और उसी पल वो वापस धरती पर टेलीपोर्ट हो गया। अब वो तुरंत मीमो के पास वापस भी आ गया, पर मीमो ने उसे बताया कि वो 2 दिन के लिए चला गया था। खैर, अब मार्क को याद आया कि टेलीपोर्ट करने के लिए पूरे दिल से यकीन करके उस जगह के बारे में सोचना पड़ता है। उधर हम देखते हैं कि बेकी को अपने दोस्त के घर की किचन में अपना बैग मिला जो पूरी तरह गीला था। उसने तुरंत क्रॉनिकल किताब बाहर निकाली तो साथ में उसे खिला हुआ फूल भी मिला। वो समझ गई कि इसमें से निकला हुआ बिच्छू जरूर यहाँ पर मौजूद लोगों पर हमला करने वाला है। अब उसने नमक का डिब्बा उठाया और बिच्छू को रोकने निकल पड़ी। इधर दूसरी दुनिया में मार्क को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी और उसने उठकर देखा कि ये उसके पिता थे। वो मार्क पर अपनी मौत का इल्जाम लगाने लगे। मेमो ने उसे समझाने की कोशिश की, पर तब मार्क को लगा कि कोई उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा है। इधर डॉक्टर पीटर्स भी बेकी का पीछा करते हुए उसी पार्टी में पहुंचे जहां एक लड़की पर उस बिच्छू ने हमला कर दिया था। बेकी उसकी मदद के लिए दौड़ी, पर तभी उसके पिता ने उसके सामने आकर उसे अपने वश में कर लिया और उसे चुपचाप घर वापस जाने का हुक्म दिया। इस वक्त पेट्रा और डिटेक्टिव भी इस पार्टी में मौजूद थे और अचानक उन्होंने बच्चों को हवा में उछलते देखा और जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें भी आने लगी। कुछ ही पलों में हॉल खाली हो गया और तब उन्होंने देखा कि ये बिच्छू जैसा दिखने वाला बेहद खतरनाक जानवर था। डिटेक्टिव ने बंदूक निकालकर गोली चलाने की कोशिश की, पर जानवर ने उस पर हमला कर दिया। उसी पल पेट्रा ने बंदूक चलाकर उसे मार डाला। तभी डॉक्टर पीटर्स अंदर आया और वो बिच्छू एक भालू में बदल गया। उधर ब्लैक टावर की दुनिया में मार्क की आंख एक बार फिर से मछलियों के कराहने से खुल गई और वो गुस्से में मीमो से बहसने लगा। तब मीमो ने कहा कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार मार्क खुद है। तब मार्क गुस्से से आग बबूला हो गया और वो मीमो को बेरहमी से पीटने लगा। इस वजह से ब्लैक टावर की दीवारें एक बार फिर से थरथराने लगी और फिर ग्रिफिन ने मार्क को पकड़ने के लिए शिकारी भेज दिए। उधर मीमो लकड़ी इकट्ठा करके झोपड़ी के पास वापस लौटा तो उसने देखा कि मार्क एक और मीमो को पीट रहा था। जैसे ही मीमो ने उस दूसरे मीमो को छुआ तो अचानक वो गायब हो गया, लेकिन रेत में उसके पैरों के निशान बता रहे थे कि वो किस तरफ भाग रहा है। मीमो ने उसी दिशा में पीछे से एक लकड़ी फेंकी जो सीधा उस बहरूपिये को जा लगी और वो अपने असली रूप में आ गया। फिर उन दोनों ने मिलकर उसे एक जगह पर बांध दिया। जब मीमो और मार्क ने उसे आग लगाने की धमकी दी तो उस बहरूपिये ने बताया कि वो ग्रिफिन का एक जादूगर है और उसके पास लोगों को असलियत में वही दिखाने की ताकत है जो वो देखना चाहते हैं। उसने ये सब ग्रिफिन के कहने पर किया था। तभी अचानक उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उधर धरती पर शहर के लोगों को पार्टी में हुए हादसे के बारे में पता चला, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि सर्कस का भालू पिंजरे से बाहर आया कैसे। लेकिन सच तो डिटेक्टिव और पेट्रा ही जानते थे कि असल हमला तो एक बिच्छू ने किया था। अब डिटेक्टिव ने पेट्रा को अकेले में ले जाकर बताया कि जब उसका पति आग में झुलसकर मर गया था तो उन्हें उसके शरीर का कोई नामो निशान नहीं मिला। उस वक्त भी असली मुजरिम डिटेक्टिव के सामने आया था और वो कोई आम इंसान नहीं था, और आज फिर से उस अजीबोगरीब बिच्छू ने हमला किया था। डिटेक्टिव ने कहा कि असली सच की तह तक जाने के लिए उन्हें उस किताब को ढूंढना होगा। उधर मार्क और मेमो कैदियों के कारवां का पीछा करते हुए उस माइन तक आ पहुंचे जहां सभी कैदी मजदूरी करते थे। तभी हॉन्ड कमांडर ने माइन में आकर खबर दी कि उनका मिशन नाकामयाब रहा, तो उसे माइन में टार भरने का हुक्म दे दिया गया। इधर मार्क ने कैदियों में से थॉमस को ढूंढने के लिए गाने चलाए और गाना सुनते ही थॉमस ने हाथ उठा लिया, लेकिन उसी वक्त सींग वाले सिपाही उसे उठाकर गहरी माइन में ले गए। अब मार्क ने मीमो से कहा कि उन्हें रात होने का इंतजार करना चाहिए। रात होने पर उन दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और जब मीमो गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने में लगा हुआ था तो मार्क टेलीपोर्ट हो गया। मार्क ने अपने भाई को ढूंढ निकाला, लेकिन तब उसे पता चला कि माइन में भरा हुआ टार उसकी टेलीपोर्टेशन को रोक रहा था। तब थॉमस ने उसे बताया कि ग्रिफिन का असली मकसद तो मार्क तक पहुंचना है और थॉमस को इसी काम के लिए इस्तेमाल किया गया था। दरअसल ग्रिफिन अब इंसानों की दुनिया तक पहुंचने के लिए मार्क की शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला था। उसी वक्त मीमो पोर्टल की तरफ भागने लगा और सींग वाले सिपाहियों की फौज को अपने पीछे लगवा लिया। वहीं दूसरी ओर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे कि ग्रिफिन का सामना कौन करेगा। तब मार्क अपनी शक्ति दिखाते हुए गुफा की दीवार में अपने पिता के उसी खास लॉकेट की ताकत से छेद कर देता है। दोनों भाई तो वहां से भाग निकले, लेकिन बेचारा मीमो गलत फंस गया।
उन वहशी सिपाहियों का सामना करते हुए उसके हाथ की उंगलियां तक कट गई। उसी वक्त मार्क और थॉमस वहां पहुंचे और उन्होंने सिपाहियों को मारकर घायल मीमो को बचाया। उधर जब ग्रिफिन को उन तीनों के भागने का पता चला तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया और वो भी जल्द से जल्द उस पोर्टल तक पहुंचने की कोशिश में लग गया। लेकिन जैसे ही तीनों लड़के बिल्कुल पोर्टल के दरवाजे पर थे तो थॉमस ने अचानक मार्क से वो लॉकेट मांगा। जब मार्क ने इससे इनकार कर दिया तो थॉमस ने जबरदस्ती वो लॉकेट उससे छीन लिया। तभी ग्रिफिन भी उड़कर उनके पास आ पहुंचा। वहीं असल दुनिया में डिटेक्टिव और पेट्रा बेकी को उसके घर से बाहर ले जा रहे थे, जबकि डॉक्टर पीटर्स ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। उधर मार्क होश में आया और धुएं में थॉमस की आवाज सुनी। उसने जल्दी से वो जादुई लॉकेट उठाया जो थॉमस ने फेंक दिया था और वो तुरंत समझ गया कि उसका भाई ग्रिफिन के कब्जे में है। इसी दौरान पेट्रा, डिटेक्टिव और बेकी पोर्टल खोलने की कोशिश करते हैं। ग्रिफिन मार्क को लड़ाई के लिए उकसाते हुए उसके अंदर के गुस्से को भड़काने लगता है, लेकिन मार्क ने अचानक अपने पिता की सलाह को याद करते हुए अपने आप को शांत किया और ग्रिफिन से लड़ने से इनकार कर दिया। जैसे ही पेट्रा ने वो पोर्टल खोला तो बेकी तुरंत मीमो को अपने साथ बाहर ले आई। जैसे ही मार्क ने ग्रिफिन को उसे गुस्से से देखते हुए पाया तो वो अपने लॉकेट से हमला करके उसे जख्मी कर देता है। अचानक हुए दर्द की वजह से ग्रिफिन ने थॉमस को नीचे गिरा दिया। दोनों भाई उसे घसीटकर पोर्टल तक लाए और फिर उसके चेहरे पर ही दरवाजा बंद कर दिया। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगला सीजन आएगा तो वो भी बना देंगे।